नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने वह नोटिफिकेशन जारी कर दी है जिसका हम सभी कर रहे थे इंतजार, और वह नोटिफिकेशन है सेकंड लिस्ट की। जी हाँ, सेकंड लिस्ट कब निकलेगी? दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए EWS DG और CWSN कैटेगरी की। इस संबंध में दिल्ली के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करा है और नोटिफिकेशन के अनुसार आज यानी कि 21 अगस्त को दोपहर को 3 बजे दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में कंप्यूटराइज ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवा दी जाएगी। और यह नोटिफिकेशन 19 अगस्त की तिथि में जारी किया गया। हालांकि आप सभी को बताना चाहूंगी, ना ही 19 को ना ही 20 को यह नोटिफिकेशन दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर डाला था, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर। जबकि आज भी मैंने यह जो वेबसाइट है दिल्ली के शिक्षा विभाग की, तकरीबन 11:30 बजे के करीब देखी थी आखिरी, और उसके बाद जब मैंने देखी है तो ये नोटिफिकेशन उन्होंने आज 21 तारीख को तकरीबन शायद 12-1 बजे के बीच में डाला, जारी करा होगा, उसे अपलोड किया होगा। तो आप सभी को कहना चाहूंगी कि आमतौर पर जिस तिथि को, जिस डेट को कंप्यूटराइज ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है, उसी दिन ही रिजल्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि हालांकि इन्होंने यह लिखा नहीं है कि रिजल्ट कब आप देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज ड्रॉ की प्रक्रिया आज है, तो ये मानकर चलिए कि शाम तक या थोड़ा रात तक आज दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा रिजल्ट को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। और रिजल्ट को कैसे देखना है, किन कागजात की जरूरत पड़ेगी, स्कूल कैसे जाना होगा, यह सारी जानकारी मैं आपको देने दूंगी आज। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा दिन, जितना दिन बचा है दिल्ली के शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन पर अपनी नजर बनाए रखूंगी, क्योंकि कौन नोटिफिकेशन भी आएगी, रिजल्ट पर भी नजर बनाए रखूंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है या फिर पहले रिजल्ट अपलोड किया जाता है, कुछ भी होता है, उसकी जानकारी मैं आपके लिए तुरंत ले आऊंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही एक और चीज भी कहना चाहूंगी कि बहुत से पेरेंट्स हैं, उन्हें सेकंड लिस्ट के बारे में अभी जानकारी नहीं है। बहुत से लोग पहली लिस्ट के बाद ना रिजल्ट ही चेक नहीं करते, सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट। तो प्लीज ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन सभी पेरेंट्स तक पहुंचाएं जिनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है। और एक सवाल आप में से बहुत से लोग पूछते हैं, क्या जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है उनका नाम दूसरी लिस्ट में भी आ सकता है? तो उसका जवाब है जी नहीं, जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है उनका नाम दूसरी लिस्ट में नहीं आ सकता। ये जो कंप्यूटराइज ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इसमें उन बच्चों के नाम नहीं होंगे जिनके नाम पहली लिस्ट में आ चुके हैं, इनमें केवल केवल उन बच्चों के नाम होंगे जिनके पहले लिस्ट में नाम नहीं आए हैं और किसी भी प्रकार के ड्रॉ की प्रक्रिया में अभी उनका नाम सिलेक्ट नहीं हुआ है। साथ ही ड्रॉ का जो रिजल्ट होगा, जो सेकंड लिस्ट होगी, वे www.edudel.nic.in वेबसाइट पर आप देख पाएंगे, वही वेबसाइट जिसके माध्यम से आपने फॉर्म भरा था, जिसके माध्यम से आपने पहली लिस्ट देखी थी। रिजल्ट को देखना बहुत आसान होगा, वह जानकारी मैं आपको लेकर आऊंगी। जाते जाते कहना चाहूंगी, सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग ना सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें पता ही नहीं चल पाती है। सारे दाखिला प्रक्रिया पूरी हो जाती है, बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है अरे ये लिस्ट भी निकली थी, ये लिस्ट भी निकली थी, और ऐसे में उनके बच्चे स्कूल पहुंचना रह जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें, ताकि सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए, नमस्कार।